हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आई यू ऑल आई एम अर्चना शर्मा योर इंग्लिश टीचर तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है ही हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर ओवर टू आवर्स बिफोर ही वेंट टू बेड तो इसमें हमने पास परफेक्ट टेंस यूज़ किया है कैसे पता चला यहाँ पर हमने देखिए हैड बीन यूज़ किया है एज़ अ हेल्पिंग वर्ब ओके और प्लेइंग है यहाँ पर मेन वर्ब तो ये स्ट्रक्चर हम इसका पहले समझ लेते हैं कि पास परफेक्ट टेंस कॉन्ट पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है इसमें हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और प्लेइंग जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ होती है दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेइंग प्लेइंग मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी इट इज़ द मेन वर्ब ओके सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर और यहाँ पर आपको कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इन द सेंस कि आपको ये नहीं समझना कि हेडबिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है सारी जगह हैडबिन ही यूज़ होता है कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो प्लूरल हो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो ही शी इट वी यू दे सभी के साथ सारे प्रोनाउंस के साथ और सारे ही नाउन्स के साथ हैड बीन ही यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्क और प्लेइंग जो है फर्स्ट द वर्ब प्लस आई एन जी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस देखिए लास्ट में यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी वी वन प्लस आई एन जी ही यूज़ होगा तो यहाँ पर मैंने आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट एक तो पास्ट है कैसे पता चला हैड है यहाँ पर हैड यूज़ होता है हमेशा पास्ट में और परफेक्ट में हमने किया था कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है कॉन्टीन्यूअस में हमेशा वी वन प्लस आई एन जी यूज़ होता है तो परफेक्ट का हमने यहाँ पर हैड लिया है और वी वन प्लस आई एन जी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस भी है और बीन यहाँ पर ऐड किया है एक न्यू वर्ड तो आई होप स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है तो रिगार्डिंग यूसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ यूसेज कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये टेंस जहाँ पर आप बताना चाहते हो कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है कि कोई एक्शन जो था पास्ट में कुछ टाइम के लिए चला आप इसको समझ सकते हो कि इस सेंटेंस uh, का मीनिंग क्या है ही हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर ओवर टू आवर्स बिफोर ही वेंट टू बेड तो यहाँ पर वेंट टू बेड भी लिखा है सिंपल पास्ट भी यूज़ हुआ है इसका मीनिंग क्या है कि उसने uh, वो एक uh, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह दो घंटे से भी ज़्यादा खेलता रहा पेड़ के ऊपर जाने से पहले यानी कि सोने से पहले वह टू आवर्स तक खेलता रहा तो यहाँ पर खेलता रहा जो कॉन्टीन्यूस टेंस है जो उस टाइम एक्शन चल रहा था तो उसके लिए हमने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया है पास्ट में क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई होप आपको ये यूसेज उसकी क्लियर हो गया है हो गई है कि हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं टू इंडिकेट to indicate the action that continued to indicate the action that continued over a given period of time in the past over a, over a given period of time or time period in the past okay? तो जहाँ पर भी आप इसके बारे में बताना चाहते हो कि कोई भी एक्शन पास्ट में किसी एक ड्यूरेशन तक चला तो वहाँ पर आप पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इस तरह के वीडियो जो है मैं बनाती रहती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग